नमस्कार साथियों, मैं एसएस मुद्गल करता हूँ आप सभी का स्वागत मुद्गल क्लासेस के इस ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है मोहम्मद गौरी, आज हम मध्यकालीन भारत के अंदर तुर्किश विजन इन इंडिया, जैसे कि यानी भारत में तुर्कों का आगमन, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि महमूद गजनवी के बारे में, यानी सोमनाथ मंदिर के टेंपल के जो है हमारा उसके आगमन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जैसे कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो है बोर्ड पे वीडियो लेके आइए, तो हमने जो है वीडियो बना ली। अब मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वादा है कि आपका जो है मोहम्मद गौरी से रिलेटेड कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज कि मोहम्मद गौरी था कौन। मोहम्मद गौरी एक शंसबानी तुर्क था, ठीक है, शंसबानी तुर्क। तो सबसे पहली चीज क्या था, मोहम्मद गौरी शंसबानी तुर्क, ठीक है। और ये कहां का रहने वाला था, ये था कहां का, जहां का महमूद गजनवी था, कहां का था, गजनी साम्राज्य। लेकिन इसमें उसमें फर्क क्या है, जी जो गजनी साम्राज्य अफगानिस्तान वाला, इसमें तो था गजनी या यामिनी वंश, पिछले वाले वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था, तो जो ये गजनी वंश है, लेकिन यहाँ पे जो है गजनी साम्राज्य में उस समय जब ये आया था, तो उस समय जो है चल रहा था वहां पे गोर वंश का शासक था। और गोर वंश का ही शासक था कौन, मोहम्मद गौर, ठीक है। और इसमें जो है अब बात कर लेते हैं, तो मतलब मोहम्मद गौरी जब भारत आया तो उसने जो है भारत में सबसे पहला आक्रमण कब किया। तो इसने सबसे पहला आक्रमण जो किया वो किया 1175 ईस्वी में। कहाँ पर किया, मुल्तान में। इसका जो फर्स्ट अटैक था इसने कहाँ पर किया, मुल्तान, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान में मुल्तान में किया तो किन पर किया, कर्माथी जाति के मुसलमान, कर्माथी जाति के मुसलमानों पर इसने क्या किया, आक्रमण किया, वहां पर आक्रमण किया और यह लूटपाट करके वापिस कहां पर लौट गया, गजनी साम्राज्य, ठीक है। तो अब उसके बाद आता है कि इसने जो है मतलब ये तो था इसका नॉर्मल बेसिक सा एक स्ट्रक्चर। अब मेन उस पाते हैं जब ये वापस लौटा कब, यानी यहाँ पे 1175 में जो है इसने फर्स्ट अटैक कब किया, 1175, और ये वापस लौट गया। लेकिन उसी के 3 साल बाद, कब, उसी के 3 साल बाद 1178 ईस्वी में ये वापस लौटा। और इसने किन पर आक्रमण करा, गुजरात पर आक्रमण करा, कहाँ पे, गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का जो शासक था वो कौन था, भीम सेकंड, जिसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, मूलराज सेकंड के नाम से, ठीक है, मूलराज सेकंड। अब सबसे बड़ी बात, बहुत सी बार पूछ लेता है एग्जाम में कि जो मूलराज द्वितीय था ये कौन सी डायनेस्टी से था या कौन से वंश से था, तो ये था चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश से, ठीक है। आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जब इसने गुजरात का आक्रमण किया था, यानी मूलराज द्वितीय का आक्रमण किया था, तो क्या हुआ कि मूलराज द्वितीय ने इस पर वापिस आक्रमण कर दिया, यानी उल्टा आक्रमण कर दिया, क्योंकि इसकी जो सेना थी, किसकी, मोहम्मद गौरी की जो सेना थी वो बहुत कम थी, किसके सामने, मूलराज द्वितीय के सामने। तो ये भारी पड़ा इस पर और इसने जो है इस पर क्या किया, इसने इसको एक तरह से राजस्थान में माउंट आबू में, कहां पे, माउंट आबू राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान में
इसने जो है भीम सेकंड ने किसको हरा दिया, मोहम्मद जोहरी को हरा दिया। हराने के बाद इसको कैद भी कर दिया, लेकिन इतिहास करो की माने तो अपनी माँ के कहने पर इसने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया तो मोहम्मद गौरी क्या किया, गुजरात से निकलकर, कहाँ से, गुजरात से निकलकर, और ये कहाँ पहुंचा, उत्तर भारत की ओर चला, उत्तर भारत की ओर चला गया। तो 1179 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, इसने 1179 ईस्वी में कहाँ पर किया, कब्जा कर दिया सिंध, ठीक है, सिंध और कौन कौन से दो जगह पर कब्जा करा इसने, सिंध और कश्मीर, ठीक है। अब बात आती है कि बहुत सी बार हम जो है हम मोहम्मद गौरी के इस बारे में जानते हैं, हम इस बारे में जानते हैं कि मोहम्मद गौरी की जो मुलाकात है वो किससे हुई थी, पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान भी अभी आएंगे, तब तक अभी आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। और उसके बाद जब इसने सिंध और कश्मीर पर अधिकार किया था या वहाँ अपना शासन चलाया, तो क्या हुआ कि उस समय उत्तर भारत के अंदर जो दिल्ली और राजस्थान का जो अजमेर है, दिल्ली एक तो दिल्ली है और उसके बाद राजस्थान का अजमेर है, और अजमेर के राजस्थान में एक सांभर डिस्ट्रिक्ट और पड़ता है, तो वहाँ पर एक चौहान वंश चला करता था, चौहान वंश, चौहान डायनेस्टी, क्या चला करता था, चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश। और वहां पर चौहान वंश में कौन राज कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। और इनको जो है पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है ना, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनका एक अलग नाम और है, जैसे कि हम जानते हैं इनका अलग नाम है क्या, राय पिथौरा, ठीक है, इनका नाम क्या है दूसरा, राय पिथौरा। अब क्या हुआ कि जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के एक दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था क्या, चलो पहले इसको रफ कर देते हैं, रख कर देते हैं सबसे पहले, आई थिंक आपने आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है, इसको रख कर देते हैं, पृथ्वीराज चौहान के जो दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे, दरबारी कवि का मतलब है एक तरह से उनके कविता पाठ करने वाले, और उनके बड़े मित्र भी थे जिनका नाम था क्या, चंदवर दाई। और चंदवर दाई ने ही एक महाकाव्य की रचना की है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, और ये रासो साहित्य का, रासो साहित्य का, और बहुत सी बार ये हिंदी साहित्य में क्वेश्चन आता है कि रासो साहित्य का जो सबसे अच्छा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है, वो कौन सा है, रासो साहित्य का है, ठीक है, ध्यान में रखना, रासो साहित्य का महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान इसी रासो, पृथ्वीराज रासो के अंदर हमें जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, किसका मिलता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाइयों के बीच, इसके बीच में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई लड़ाइयों के बारे में हमें इसमें पता चलता है, किसमें पता चलता है, पृथ्वीराज रासो। और जो रासो साहित्य में जो ये पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है वो कौन से काल का है, जो ज्यादातर पूछा जाता है, आदि काल का प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। तो इसमें जो है अब इसके बारे में हमें मतलब जानकारी मिलती है पृथ्वीराज रासो से, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो लड़ाइयां हुई, पहली लड़ाई, अब हम बात करेंगे पहली लड़ाई की, तो
पाइपलाइन हुई कब? 1191 ईस्वी 1191 में पहली लड़ाई हुई, जिसको हम किसकी किस लड़ाई के नाम से जानते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ कराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ कराइन या कराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। अब तराइन के प्रथम युद्ध में क्या हुआ? जो पृथ्वीराज चौहान जी थे उन्होंने गोरी को डिफीट कर दिया या गोरी को हरा दिया, यानी पृथ्वीराज चौहान जी ने डिफीट करा इसे मोहम्मद गोरी। ठीक है, अब मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे डिफीट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब मोहम्मद गोरी को हराया तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया? माफी मांगी। अब जब माफी मांग ली तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे कर दिया माफ। और यहाँ पर ही सबसे बड़ी गलती की थी पृथ्वीराज चौहान जी ने, इसको माफ कर दिया। क्यों? जैसे इसको माफ किया और उसको छोड़ दिया तो क्या हुआ, ये जो है ये गजनी भाग गया उत्तर प्रदेश के कन्नौज, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। अब ये कन्नौज का क्या मैटर है? कन्नौज का मैटर ये है कि कन्नौज में उस समय एक गढ़वाल वंश राज्य कर, मतलब एक गढ़वाल वंश जो था वो शासन किया करता था, जिसके राजा कौन थे? जयपाल। जिसके राजा कौन थे? जयपाल। और जयपाल शासक को आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इनकी पुत्री थी कौन? देखो यहाँ पे वंश चलता था कौन सा? गढ़वाल वंश, गढ़वाल। और गढ़वाल वंश के राजा कौन थे उस समय? जयपाल। और जयपाल की पुत्री कौन थी? जयपाल की पुत्री थी संयोगिता। ये वही संयोगिता है जिसके ऊपर, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान हारे थे। अभी आगे बताएंगे कैसा हारे थे। जो इनकी पुत्री थी संयोगिता, उस पर ध्यान दिया किसने? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी जब संयोगिता से प्रेम करते थे और संयोगिता से प्रेम करते थे तो इन्होंने जो है संयोगिता से विवाह करना चाहते थे, लेकिन इस बात के खिलाफ था कौन? जयपाल। जयपाल इस बात के खिलाफ था कि ये जो है इससे प्रेम कर रहे थे, तो ये जो है ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इनकी शादी हो। तो क्या किया कि जयपाल ने एक बार स्वयंवर किया, किसका? संयोगिता के लिए। संयोगिता के लिए स्वयंवर किया, दूर दूर से राजा बुलाए गए, लेकिन इन्होंने इसको आमंत्रित नहीं किया, पृथ्वीराज चौहान जी को आमंत्रित नहीं किया। और जब पृथ्वीराज चौहान जी को आमंत्रित नहीं किया तो पृथ्वीराज चौहान जी को गुस्सा आया, वो अपने घोड़े पर सवार हुए, सीधे जाकर स्वयंवर में घुस गए और संयोगिता जी को उठा कर लिया और उनसे विवाह। इस बात को जब इस बात का पता चला जब जयपाल को, तो जयपाल ने बहुत क्रोधित हुआ और उसने जो है इनसे बदला लेने की ठान। और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी जो है वो जब गजनी वापस लौट गया, वो भी तो तैयारी कर रहा था इन्हें हराने के लिए, वो भी तैयारी कर रहा था। अगले ही साल 1192 ईस्वी में गोरी पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर आया, गोरी पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर आया और इसने जो है हाथ मिला लिया किससे? जयपाल। कहावत तो सुनी होगी कि घर का भेदी लंका है, इसने हाथ मिलाया जयपाल से और जयपाल तो चाहता ही था पृथ्वीराज चौहान है, तो इसने जो है जयपाल ने अपनी सेना इसके साथ। फिर उसके बाद क्या किया, 1192 में पृथ्वीराज चौहान जी हार गए। और कुछ इतिहासकारों की मान है, अगर गोरी की तरफ के इतिहासकारों की मान तो वो कहते हैं कि जो गोरी था, गोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी का घर स्वर्ग से, लेकिन अगर हम राशो साहित्य की मान
तो जो चंद्रगढ़ डायरी में कुछ अलग ही लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान जी जो थे वो मरे नहीं, वो जो है मतलब मोहम्मद गोरी का हाथ तो नहीं मरे, मरे थे लेकिन मोहम्मद गोरी का हाथ तो नहीं, वो अपने मतलब अपने आप उन्होंने अपनी गर्दन जो है वो अपनी काट ली। ठीक है, तो इसके मतलब इनके बोलते हैं राज्यों के बारे में अलग अलग मत हैं अलग अलग इतिहासकारों के, लेकिन 1192 में जो है जब लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने है हरा दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने इसे हरा दिया तो जो इसकी जो सहायता की थी मोहम्मद गोरी की जो सहायता की थी जयपाल में, तो और एक इनका एक गुलाम और था, जब मोहम्मद गोरी भारत आया था तो इसके हजारों गुलाम आए थे इसके साथ। ठीक है, मोहम्मद गोरी और जो जयपाल को जो है मोहम्मद गोरी के साथ जब एक तरह से एक तो बोला कि पृथ्वीराज चौहान को हराया, कौन सी युद्ध में, तराइन के सेकेंड युद्ध का, तराइन के सेकेंड वॉर में, तराइन के सेकेंड युद्ध में हराया किसे, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान। लेकिन यही पे बात खत्म नहीं हो जाती, अब इसने जो है क्या किया 1192 के बाद 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पराजित किया किसे, जयपाल को, कौन से युद्ध में, चंदावर के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में। ठीक है, जयपाल को भी नहीं छोड़ा, और जो चंदावर के युद्ध में जो इसकी सहायता की, आई होप आपने नोट कर लिया होगा ये सारा, तो इसको रफ कर देते हैं। जब चंदावर के युद्ध में जिसने जापान को हराया तो उसमें इसकी जो सहायता की थी इसके गुलाम ने की, सबसे बड़ी मदद की थी इसके गुलाम ने की थी, जिसका नाम था क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों जो गुलाम वंश का एक्चुअल फाउंडर है ना, एक्चुअल फाउंडर। तो गुलाम मतलब ये जो है ना इसका गुलाम था, इसने अब मोहम्मद गोरी के साथ आए तो थे हजारों गुलाम, ठीक है हजारों गुलाम आए थे, लेकिन उनमें से चार जो थे वो चार गुलाम जो थे वो उसके बिल्कुल खास थे। ठीक है, तो आप खास थे कौन कौन से थे, पहला तो कुतुबुद्दीन, दूसरा यलदौज, ठीक है यलदौज, तीसरा था बख्तियार, और चौथा था दोस्तों कौन, उबाचा। और ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया। ठीक है, ये सबको नोट करो जल्दी से, जो बख्तियार खिलजी है ना इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया 1204 और 5 के दशक में, 1204 और 5 ईस्वी में। और चंदावर के युद्ध से खुश होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी जो है वो अपना साम्राज्य सौंप के वापस जाने लगा, यानी अपना जो है एक तरह से इसको राज्य सौंप के अपना सेनापति बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो है अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, किसने 1192 में तो हराया किसे, इन्हें पृथ्वीराज चौहान, 1194 ईस्वी में लड़ा गया चंपावत, लेकिन 1192 के बीच में और मतलब 94 के बीच में जो है वो 93 में कौन था, इसने क्या किया,
अहमद गौरी दिल्ली को अपनी राजधानी, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं, ये वादा है कि मोहम्मद गौरी साहब का कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं होगा। अब इसको अपना सेनापति नियुक्त कर दिया, अपना सेनापति नियुक्त कर दिया और इसको अपने साम्राज्य का केयर टेकर बना दिया, है ना, वाला बना के ये 1194 ईस्वी में अफगानिस्तान वापस लौट गया। 1194 में ये वापस अफगानिस्तान लौट गया, अफगानिस्तान लौट रहा था और इसने जो है भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए, इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए ऐबक ने जो है 1194 में भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या है, कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है। दूसरी मस्जिद जो है इसने अजमेर में बनवाई, जिसका नाम है क्या, बहुत ही जाना माना नाम है, पढ़ाई दिल का झोपड़ा, पढ़ाई दिल का झोपड़ा, इंटरेस्टिंग सा नेम है, ठीक है। तो इसमें दो मस्जिदों का निर्माण करा, पहली कौन सी, कुव्वतुल इस्लाम, और जिसका निर्माण कहाँ पर करवाया, दिल्ली। दूसरी क्या बनवाई, पढ़ाई दिल का झोपड़ा, जो कहाँ पे है, अजमेर में, कहाँ, राजस्थान के अजमेर में, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1199 में ही भारत की सबसे ऊंची नीता, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है 1199 कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की सबसे ऊंची मीनार, जिसका नाम है क्या, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण, मतलब कुतुब मीनार की नींव रखी, ठीक है। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, इसको मैं अगली वीडियो में पूरा कवर करूंगा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद जो गौरी था 1205 में जो है गौरी फिर वापस आया, बारह सौ पांच में गौरी वापिस आया और इसने क्या किया, ये अपना अपने साथ इल्तुतमिश को अपने साथ लेकर गजनी वापस लौट रहा था। तो क्या हुआ, कश्मीर के पास खोखर जाट एक प्रजाति रहती है, खोखर जाट जो है उनसे इसकी भिड़ंत हो गई, और उनसे इसकी भिड़ंत हो गई तो जो बहुत दिन तरह घायल हो गया, कौन, मोहम्मद गौरी, बहुत बुरी तरह घायल हो गया, और ये गजनी तक लौटते लौटते ये जो है सर्वाइव नहीं कर पाया, और 1206 में इसकी जो है क्या हो गई, ठीक है। तो उसके बाद गौरी के बाद जो है इसका साम्राज्य किस पर आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक, किस पर आ गया इसका साम्राज्य, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जो है आज का जो है जो हमारा टॉपिक था वो था मोहम्मद गौरी। आई होप कि इसमें से अभी अब आपका कोई भी सवाल जो है, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, और अगर आपका कोई मान लो सवाल रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन जरूर करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।